अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू रमज़ान बिन सलमान। और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौन सी आयात लिखी हुई हैं, वो खत्ताती या कैलीग्राफी किसने की? रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेंटर में एक सिल्वर कलर का बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है और वो बोर्ड रोज़ा रसूल को किसने गिफ्ट किया? ये सारे सवाल और इस जैसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन देगा? मैं दूंगा मेरे भाई, मैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रमजान में सलमान के आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। एक ऐसे खत्तात जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनको बचपन से ही अरबी जबान की खत से बे इंतहा प्यार था। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की कैलीग्राफी या खत्ताती के लिए एक कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें उन्होंने भी हिस्सा लिया और वो जीत गए। और हैरत की बात सबको ये लगी कि वो एक पाकिस्तानी थे और उनकी जबान अरबी नहीं थी, मगर उनके हाथ हसीन अरबी खत लिखते थे, इसलिए उनको मस्जिद नबवी की कैलीग्राफी के लिए चूज कर लिया गया। जिनकी खत्ताती ने मस्जिद नबवी को मजीद खूबसूरत बनाया वो कोई और हस्ती नहीं बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शफीकुज़्ज़मान साहब हैं। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तीन बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये भी खत्तात शफीकुज़्ज़मान साहब की खत्ताती है। उनको एक बोर्ड बनाने में ऑलमोस्ट 6 माह लगे थे और तीनों बोर्ड बनाने में तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा था और इसको 24 कैरेट गोल्ड से लिखा गया है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन बोर्ड्स पर कौन सी आयात लिखी हुई हैं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि रोज़े रसूल की जालियों पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये जो पिलर्स आप लोगों को दिख रहे हैं इन पिलर्स पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और ये जो बीच में आपको सिल्वर बोर्ड नजर आ रहा है इस पर भी कुछ लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। राइट साइड पर दो बोर्ड्स हैं, इनमें सबसे ऊपर वाले बोर्ड पर ये शायरी लिखी हुई है, नबीयुन अज़ीम खुल्क़ी अल-खुल्क़िल्लज़ी लहू अज़्ज़मर रहमानु फी सय्यदुल कुतुब। अज़ीम नबी, उनके इखलाक वो इखलाक हैं जिसकी ताज़ीम अल्लाह पाक ने सय्यदुल कुतुब यानी कुरान पाक में की है। और नीचे वाले बोर्ड पर सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 40 और 41 लिखी हुई है, मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबियीन व कान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीन आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। सेंटर वाले बोर्ड पर सूरत अल-हुजरात की दूसरी आयत लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون। लेफ्ट साइड वाले बोर्ड पर सूरत الحجرات की आयत नंबर 3 लिखी हुई है, ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم। रोजा रसूल की बीच वाली जालियां जिसको बाब तौबा भी कहते हैं, इस पर तीन बोर्ड्स लगे हुए हैं। पहले बोर्ड पर लिखा हुआ है, हुन السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم। दूसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हुन السلام على ابي بكر رضي الله عنه। और तीसरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हुना सलाम अला उमर बिन खत्ताब रदियल्लाह अन। ये वो तीन बोर्ड्स हैं जो निशानदही करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह अन और हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाह अन की कुबूर की। और रोज़े रसूल की जालियों पर जो मेहराब बनी हुई है राइट साइड पर, इसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पर मुहम्मद रसूलल्लाह लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल नीचे ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन लिखा हुआ है। और बीच वाली जालियों पर भी यही लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन और उसके नीचे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। रोज़ा रसूल के राइट और लेफ्ट वाले पिलर्स पर शायरी लिखी हुई है। राइट वाले पिलर पर लिखा हुआ है, या खैरी मन दफन बिलका अअज़मी फताब मिन तय्यिबिहिन अलका वल अकम। सबसे ज्यादा अजीम और खैर वाली हस्ती इस जमीन में है, उनकी खुशबू से जमीन भी महक उठी। लेफ्ट वाले पिलर पर लिखा हुआ है, नफ्सिल फिदा लिकब्र अंत साकिनु फीह अलआफाफ व फीह जूद वल करम। फिदा है मेरी नफ्स उस कब्र पर जिसमें आप मकीन हैं यानी रहने वाले हैं, जिसमें पाकीजगी सखावत और करम है।
अब आते हैं रोज़े रसूल पे लगे हुए उस सिल्वर बोर्ड पर जो मैंने और आपने बहुत दफ़ा देखा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस पर लिखा क्या हुआ है। ये बोर्ड 1026 हिजरी में उस्मानी खलीफा सुल्तान अहमद बिन सुल्तान मोहम्मद ने इस दरवाजे के लिए हदिया किया था। इस बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। उसके बाद लिखा हुआ है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज्निही व सिराजन मुनीरा وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا। इन दो आयत के बाद ये सेंटेंस लिखा हुआ है, اللهم يا رحمن بجاه هذا النبي الكريم اغفر لعبادك المنقاتل احكام شريعه نبيك العظيم, जिसका तर्जुमा है या अल्लाह या रहमान, नबी करीम के मुबारक चेहरे के सदके अपने बंदे को बख्श दे जो आपके नबी के शरीयत के अहकाम के मुताबिक चलता है। उसके बाद लिखा हुआ है السلطان अहमद बिन सुल्तान मोहम्मद, ये सुल्तान अहमद बिन सुल्तान मोहम्मद का पूरा नसब लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है नसरहुल्लाहु नसरन अजीजा व फतहु लहु फतहन मुबीना, अल्लाह ताला उनको अजीज फतह नसीब करे और उनको वाज़ह कामयाबी अता करे। उसके बाद लिखा हुआ है अलहमद फी तारीखी अहदा हुब्बन खालिसा 1026, उनके दौर में ये बोर्ड बनाया गया और रोजे मुबारक को खालिस मोहब्बत से हदिया किया गया 1026 हिजरी। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, अगर सीखा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो आप कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे आपको व्हाट्सएप पर किसी ने सेंड की हो, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो, तो सब काम छोड़कर सीधा यूट्यूब पर आइएगा और लिखिएगा सलमान इमदाद और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।